अरे बेटा, क्या तब से साइकिल में खुटर पुटर कर रहा है? कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ माँ, मुझे एक तरकीब सूझी है। मैं पानी पे साइकिल चलाऊंगा। अरे तू और तेरी तरकीब, सारा दिन तो बस इन्हीं सब में गुजर जाता है। अगर नौकरी करता तो इतने दिनों में तू अपने लिए एक बाइक ले आता। हाँ तुम्हें तो पता है ना माँ, मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है। तू क्यों बार बार कहती हो? अच्छा, नौकरी करना अच्छा नहीं लगता तो और क्या करना है? देखना माँ, इन्हीं चीजों से एक दिन जरूर नया आविष्कार करूँगा। चलो अभी मुझे पानी में चलाने वाला साइकिल बनाने दो तो। उफ, क्या करूँ मैं तेरा, क्या होगा पानी में चलने वाला साइकिल बनाकर? पैसे मिलेंगे या किसी की मदद होगी? क्या बकवास है। धत, तुम नहीं समझोगी और बताकर कोई फायदा भी नहीं है। तो जिसमें फायदा है वो ही कर, नौकरी कर। पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते ना बेटा, और पैसे नहीं मिलेंगे तो घर कैसे चलेगा? माँ तुम फिर से शुरू हो गई, अब बस रहने भी दो। एक कप चाय देना चाचा। तो भतीजे सब अच्छा चल रहा है ना? हाँ सब ठीक है चाचा। हाँ ठीक तो होगा ही, माँ खाना बना देती है और तुम खा लेते हो और अपने काम में लग जाते हो। कोई चिंता नहीं, कोई धंधा नहीं। काश ऐसी जिंदगी मेरी होती रे। अरे रिजू कैसे हो? माँ कैसी है? हाँ अच्छी है। अच्छा तो तुम अभी क्या कर रहे हो बेटे? नौकरी तो कर रहे हो ना? नहीं मैं एक साइकिल बना रहा हूँ, पानी में चलने वाला। क्या पानी में चलने वाला साइकिल है? इन सब बकवास चीजों में क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? यहाँ मेरा बेटा, तुम्हारा दोस्त, कितना बढ़िया नौकरी करता है, 30,000 महीना कमाता है। ये फालतू का काम छोड़कर कोई नौकरी ढूंढ लो। ये बिल्कुल कोई फालतू चीज नहीं है, इसे करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए। ऐसे नॉलेज का क्या करूं जिससे कोई रोजगार ही ना बने। अच्छा ठीक है, एक दिन तुम्हारे घर आके तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है अभी चलता हूँ, मेरा बेटा ऑफिस जाने वाला है, उसके लिए बाजार जा रहा हूँ। सब एक ही जैसे हैं, एक ही रट लगा है सबके मुंह पे, उन्हें नौकरी के सिवा कुछ दिखती ही नहीं है। नहीं मुझे इस पानी पे चलने वाले साइकिल को बनाना ही होगा, आज ही बनाऊंगा। ये लो हो गया, अब है असली परीक्षा की घड़ी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही डूबना मत दोस्त। अरे ये तो बैठने से पहले ही डूब गया। नहीं लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ अब देखता हूँ। अरे यार कितना कुछ किया इस साइकिल के लिए, कितनी मेहनत की फिर भी नहीं तैर रही। नहीं आज जाने दो, घर जाता हूँ। ओए सुनो ना, कह रहा था। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ नौकरी कब ज्वाइन कर रहे हो, वरना पापा कहीं और मेरी शादी तय कर देंगे। ये क्या, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। पापा कहते हैं सिर्फ प्यार होने से घर नहीं चलता, पैसे भी जरूरी हैं। कितने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए, तुम्हें पता है? पिछले दिन ही एक डॉक्टर का रिश्ता आया था, कल इंजीनियर का। सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर सबको इनकार कर रही हूँ, पर मेरे घर वाले अब नहीं मानेंगे, ज्यादा दिन और मैं नहीं रुक पाऊंगी। सुना तुमने?
सुन बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ, एक नौकरी। नौकरी नौकरी नौकरी, रोज बस एक ही बात सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। अभी तो ये सब बिल्कुल नहीं समझेगा बेटा, बाद में समझेगा। और तेरा ये फालतू का काम धाम बंद कर, अभी भी वक्त है। ठीक है, मेरी इन चीजों से इतनी दिक्कत है ना। ठीक है, आज रात के अंदर ही मैं पानी में चलने वाला साइकिल बना कर ही रहूंगा, और नहीं तो इस बॉक्स को मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, अब और कुछ नहीं होने वाला। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। बेटा बेटा उठ, बेटा उठ, देख पूरा गांव डूब गया है, बचा बेटा बचा। अरे माँ की आवाज है ना, ये क्या है, यहाँ तो बाढ़ आ गई है। अरे मेरी साइकिल तैर रही है, मेरी साइकिल तैर रही है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। बचा ले बेटा बेटा बचा ले। बचा लिया बेटा, बचा लिया आज तूने मुझे, वक्त पे आ गया आज तू, वरना मेरा क्या होता। पर ऐसी हालत हुई कैसे माँ? पूरी रात बहुत बारिश हुई बेटा, और इतनी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, लगता है पूरा गांव डूब गया है। बेटा तो फिर सभी शायद डूब रहे हैं। क्या किया जा सकता है, गांव में किसी के पास तो मकान भी नहीं है कि तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँ। पास में एक स्कूल है, वहीं ले चल बेटा। बिल्कुल माँ, और केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे गांव के लोगों को साइकिल पर बिठाकर मैं ले जाऊंगा। तुम यहीं रुको माँ, मैं बाकियों को लेकर आता हूँ। रिजू बेटा, हमें माफ कर दो बेटा, तुम्हें इतनी खरी खोटी सुनाई, अगर तुम ना होते तो पूरा गांव डूब जाता, तुमने हमें बचा लिया। हाँ रिजू, तुमने सच में हमारी जान बचाई है। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं, ये तो मेरा कर्तव्य था। शुक्र है तुमने उस पानी में चलने वाला साइकिल बनाया था, वरना आज हम सब यहाँ जिंदा नहीं होते। रिजू, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक काबिल लड़के हो। चिंता मत करना, मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में ही दूंगा। हे भूले। थ्री चीयर्स फॉर रिजू, थ्री चीयर्स फॉर रिजू, थ्री चीयर्स फॉर रिजू।